आधा कर लेके आधा चिकन गए थे ना कपड़ा लेने, तो मेरा खाता में इतना 905 के आया था। मेरा घर नया पस्तिया पंचायत बबोरा। हम जब एक आधार कार्ड लेके गए थे ना, मेरे खाता में ना 62 करोड़ पैसा घुसा है। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र की बघौरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव निवासी दो छात्रों के खाते में करोड़ों की राशि आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इसके बाद से गांव के अन्य लोग भी अपने अपने खाते की जांच के लिए सीएसपी सेंटर पहुंचने लगे। एसबीआई के सीएसपी सेंटर पर जब खाते में पोशाक राशि आई या नहीं ये देखने से बच्चे पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके खाते में करोड़ों रुपए जमा है। उक्त खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भेलागंज शाखा का है। पस्तिया गांव निवासी छात्र गुरुचंद्र विश्वास खाता संख्या 100081503020808 में 60 करोड़ से अधिक और असित कुमार खाता संख्या 100081503020801 के खाते में 900 करोड़ से ज्यादा की राशि दिख रही थी। ब्रांच मैनेजर मनोज गुप्ता ने दोनों बच्चे के खाते से भुगतान पर रोक लगा दी और मामले की जांच की जा रही है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई। कटिहार से कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। एक कल रात में न्यूज आई कि 960 करोड़ हमारे बैंक के भेलागंज ब्रांच में 960 करोड़ रुपया आया है। जब हम लोगों ने जांच मामले की पड़ताल की, जो उन दोनों अकाउंट को हमने स्टेटमेंट निकाला तो एक अकाउंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि एक अकाउंट में जो असित कुमार के नाम से बताया गया 100 रुपया उसमें बैलेंस है, हमने स्टेटमेंट उसका निकाला हुआ है। फिर हमने जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो अकाउंट भी गलत था, उस नाम से उस बच्चे का जो गुरुचंद्र विश्वास नाम है उसका सही अकाउंट निकाला तो उसमें 128 रुपये बैलेंस पाया गया। तो इस तरह से 960 करोड़ की कोई बात नहीं है, हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के भेलागंज ब्रांच में 960 करोड़ किसी भी खाते में नहीं आया है।